बिल्कुल सर, चूंकि अब करो और मरो की स्थिति आ चुकी है सर, क्योंकि अब हम लोग के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। अनुदेशक 10 सालों में कभी कभी व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है कि किसी ने किसी को फोन किया, उसने ओटीपी मांगा, ओटीपी दे दिया, तो उसका साला बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। जब ये मैसेज हम अनुदेशक के ग्रुप पे पढ़ते हैं तो हमें बहुत बड़ा बहुत आश्चर्य होता है कि हमारा तो अकाउंट कभी भरा ही नहीं, हमारा तो अकाउंट हमेशा खाली रहेगा। वो कहावत है ना, नंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। तो हमें समझ में नहीं आता भेजने वाले उस मैसेज को भेजते क्यों, मतलब हमारे अकाउंट में कुछ हो तब ना कोई ले ले। अरे हम तो बैंक अकाउंट आपको दे दे, पासबुक ले लो, एटीएम ले लो, जितना दुनिया जहान है सब ले लो, जो खाली करना है खाली कर लो, हमारे पास है क्या जो आप खाली करोगे। तो ही हाल है सर अनुदेशकों का, शिक्षा मित्रों का, हमारे पास कुछ खोने के लिए बचा नहीं है। जितना खोना था हम लोग खो चुके हैं और ये अंतिम लड़ाई है, चूंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है और मोदी जी को हैट्रिक लगाने की चिंता है कि हमारी हैट्रिक कैसे लगेगी। देखिए क्या लोकतंत्र नाम, लोकतंत्र दिया जाता है, प्रजातंत्र दिया जाता है, लेकिन क्या वास्तव में आज लोगों की बात हो रही है, आज प्रजा की बात हो रही है? शायद इस सवाल को आप उत्तर ढूंढेंगे, चाहे किसी डिक्शनरी में भी ढूंढेंगे, तो आज इस सवाल का जवाब आपको ना मिलेगा। आज कोई लोगों की बात नहीं कर रहा है, आज कोई प्रजा की बात नहीं कर रहा है, आज कोई अपने कर्मचारियों की बात नहीं कर रहा है। आज बात क्या हो रहा है, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में कैसे बने, हमें साम दाम दंड भेद एन केन प्रकारेन, हमारी सरकार राजस्थान में कैसे बने, छत्तीसगढ़ में कैसे बने, तेलंगाना में कैसे बने, मिजोरम में कैसे बने, आज इसकी चिंता है। ये चिंता नहीं है कि आज इंडिया हंगर इंडेक्स में 111 नंबर पे पहुंच गया, इसकी चिंता नहीं है। और जिस बांग्लादेश और जिस पाकिस्तान को हम हमेशा कोसने का काम करते हैं, आज हंगर इंडेक्स में उस बांग्लादेश और उस पाकिस्तान, ये पाकिस्तान को हम कोसने का कार्य करते, आज वो पाकिस्तान हंगर इंडेक्स में हमसे अच्छी स्थिति में, तो हम कहाँ है इसका आकलन आज कोई नहीं कर रहा है। आज केवल चर्चा क्या है कि मोदी जी की हैट्रिक लगेगी कि नहीं, मोदी जी की हैट्रिक लगाने के लिए क्या किया जाए, किस प्रकार से किया जाए, कौन सा तंत्र अपनाया जाए, कौन सा जादू मंत्र किया जाए, केवल और किसकी चिंता है। बनारस की रैली में मोदी जी कह के जाते हैं, लखनऊ की रैली में राजनाथ सिंह जी कह के जाते हैं कि अनुदेशक और शिक्षा मित्र की जिम्मेदारी तो सरकार की है, लेकिन कौन सी जिम्मेदारी सरकार निभाई है? हम तो आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से भी पूछना चाहते हैं और इस देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से भी पूछना चाहते हैं और इस प्रदेश के मुखिया योगी जी से भी पूछना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार हो या भारत की सरकार हो, अनुदेशकों की स्थिति अच्छी हो, शिक्षा मित्रों की स्थिति अच्छी हो, इसको लेकर आपने कोई रोड मैप तैयार किया क्या है? 10 साल तो केंद्र की सरकार की हो गई, 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार की होने जा रही है, तो क्या इनका आपके एजेंडे में, मैं गया था परियोजना, ये आश्चर्य नहीं होता है, मैं गया था एक बार परियोजना में, 8 फरवरी की बात बता रहा हूं, वहां मुझे बताया गया कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक सरकार के एजेंडे में है ही नहीं। हमने कहा आप इस प्रकार की बात क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि देखिए हम उस व्यक्ति का नाम नहीं बताएंगे, बताने की स्थिति में है क्योंकि सार्वजनिक मंच है, फिर हमको उस सूचना नहीं दे पाएंगे। उन्होंने कहा कि देखिए हम लोग मीटिंग में रहते हैं, मीटिंग होती है, वहां हम सुनते हैं कि आपके बारे में, अनुदेशक के बारे में, शिक्षा मित्रों के बारे में क्या क्या बताया जाता है, क्या क्या चर्चाएं होती है, तो आप लोग किसी गफलत में मत रहिए कि सरकार आपके लिए
कल्याणकारी योजनाएं लाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ये 8 फरवरी की बात बता रहा हूं, और अभी लगभग अक्टूबर महीना चल रहा है, हमें नहीं लग रहा कि इस 8 महीने में कोई स्थितियां बदली है, कुछ नहीं बदली है, जीरो शून्य जीरो बटा सन्नाटा है, कहीं कुछ नहीं है। अभी 3 अक्टूबर को हमारी महिला जांबाज महिला साथियों ने जिस प्रकार से परियोजना का घेराव किया, परसों बुधवार को हम लोग महिलाओं का एक प्रतिनिधिमंडल परियोजना कार्यालय जा रही है हमारी अध्यक्ष अध्यक्ष प्रिया दीक्षित जी के नेतृत्व में, और वहां जाकर प्राची मिश्रा जी सीतापुर की है, सविता वंदना जी हरदोई की है, लक्ष्मी यादव जी बस्ती की है, और एक और लक्ष्मी जी लखीमपुर खीरी से है। ये 5 महिलाएं परसों जा रही है परियोजना कार्यालय, और वहां पता करेंगी कि जो 3 तारीख को जो इतनी चिकनी चुपड़ी बातें कही गई, उसका क्या वो जो ज्ञापन लिया गया 9 सूत्री ज्ञापन, क्या वो परियोजना कार्यालय के किसी डस्टबिन में पड़ी हुई है, या किसी अधिकारी के टेबल पे पड़ी हुई है, या उस पे कुछ मार्क होकर वो आगे बढ़ा है, शासन में गया है, कुछ प्रस्ताव बना है, शासन में गया है कि नहीं गया है, कि कुछ विचार हो रहा है, कि 8 फरवरी की जो बात है वही पे सरकार के नुमाइंदे अटके हुए हैं, या उससे कुछ आगे बढ़े हैं, इसकी जानकारी लेने के लिए हमारी 5 सदस्यीय महिला प्रतिनिधिमंडल प्रदेश अध्यक्ष प्रिया दीक्षित जी के नेतृत्व में, महिला प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में परियोजना कार्यालय जा रही है। वहां से जो रिपोर्ट हम लोग को मिलेगी, उसके बाद यदि पॉजिटिव रिपोर्ट मिलेगी तो हम स्वागत करेंगे, और पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो है ना कि हम फुटबॉल भी बनाना, हम वॉलीबॉल भी बनाते हैं, हम वॉलीबॉल भी विद्यालय में बच्चों को खिलाते हैं और फुटबॉल भी बच्चों को खिलाते हैं। तो सरकार समझ ले कि हम वॉलीबॉल खेलेंगे कि फुटबॉल खेलेंगे, हमको दोनों खिलाना आता है। और इसी 2024 के चुनाव में सरकार यदि वॉलीबॉल खेलना चाहती है तो हम उनको वॉलीबॉल खेलना भी सिखा देंगे, और सरकार यदि फुटबॉल खेलना चाहती है तो हम फुटबॉल भी खेलना सिखा देंगे। दोनों चीज की कला हमारे अनुदेशक साथियों को मालूम है सर जी। और पंक्तियों को याद करिए, दुष्यंत कुमार जी की पंक्तियां हैं, और इसी को लेकर भाजपा सरकार आई थी कि कहां तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, यहां चिरागा मयसर नहीं शहर के लिए। जब ये चुनाव लड़ने जाते हैं तो इन्हीं पंक्तियों सबको रोशन की बात करते हैं। और जब सत्ता, मैंने कई बार आपके चैनल पे कहा कि इनकी भाषा चुनाव के पहले की भाषा देखिए, आज आप देख रहे हैं ना मध्य प्रदेश में किस प्रकार से आज इनके लग रहा कि अरे कितने बड़े धर्मात्मा है, कितने बड़े एक शुभ चिंतक है कर्मचारियों के, संविदा कर्मचारियों की, जो मांग लो वो दे देंगे इस समय। क्यों? क्योंकि अपना सब कुछ जा रहा है। तो जब इनका सब कुछ जाने वाला रहता है, इनको लगता है कि अब हम वापस नहीं आएंगे, तो ये सब कुछ लुटाने को तैयार होते हैं। अरे यही काम आप 4.5 साल 4.5 साल किए होते, संविदा कर्मियों को याद किए होते, और संविदा की व्यवस्था देश में लागू क्यों की गई? आप तो एक देश एक विधान एक संविधान की पार्टी है ना, और आपके नेता जिनका फोटो लगाकर आप हर कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, अंत्योदय योजना की बात करते हैं, अंतिम व्यक्ति का उदय, अरे क्या ये सिर्फ भाजपा के किताबों में रहेगी क्या? अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे होगा? आज विद्यालय में अंतिम व्यक्ति कौन है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपना जान दिया एक देश एक विधान से एक संविधान को लेकर, और मंत्रिमंडल से, नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा, उनको कश्मीर मामले का मंत्री बनाया गया था, लेकिन जब उनकी बातें नहीं मानी गई उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आज एक विद्यालय में एक ही छत के नीचे एक ही कैंपस के एक ही गेट से प्रवेश करता, एक ही कुर्सी पे बैठता, और आज क्या है, किसी को आप 90,000 दे रहे हो, किसी को 10,000 दे रहे हो, किसी को 9,000 दे रहे हो। अरे क्या व्यवस्था है, कहां कहां हम रह रहे हैं, हम किस देश में रह रहे हैं, हम किस प्रदेश में रह रहे हैं? जरा कल्पना करिए
हमारी डिग्री, हम तो चैलेंज करते हैं कि डिग्री हो, आप डिग्री देख लीजिए, हमारी डिग्री, हमारी योग्यता में कोई कमी हो आप बताओ। जब हमारी डिग्री, हमारी योग्यता और हमारे शिक्षा पद्धति में कोई कमी नहीं है, हमारे मेहनत में कोई कमी नहीं है, जब हम गेट के अंदर प्रवेश करता है, चाहे वो कोई शिक्षा मित्र हो या कोई अनुदेशक हो, जब वो विद्यालय के गेट के अंदर प्रवेश करता है तो भूल जाता है कि वो 9,000 पा रहा कि वो 10,000 पा रहा। वो उसको क्या चिंता होती है कि हमारे बच्चे किस प्रकार से देश के नौनिहाल है ना, कल वो किसी में से कोई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनेगा, कोई अबुल कलाम आजाद बनेगा, कोई यही भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद बनेगा, कोई लाल बहादुर शास्त्री बनेगा, तो नौनिहालों को कैसे भविष्य बने इसकी चिंता हर अनुदेशक, हर शिक्षा मित्र करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसका एक शौक था, उसका एक शौक है कि इन विद्यालय के बच्चों को हम शिक्षित करें, इनका भविष्य बनाए। नहीं तो आज हमको क्या हो सकता है, हम 9,000 में और 10,000 में अपना जीवन बर्बाद कर दिए, क्योंकि इन बच्चों से हमको प्यार हो गया है, इन बच्चों से हमको प्रेम हो गया है, हम इन बच्चों को छोड़ के जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इनका जब चेहरा देखते हैं, इनका जब मुंह देखते हैं और इनके अभिभावकों को जब देखते हैं तो लगता है, जब इनके अभिभावक आते हैं, आपको मैं बता दूं, सरकार सर्वे करे ना करे, मैं तो चैलेंज करता हूं, सरकार एक सर्वे कराए कि विद्यालय का बच्चा सबसे ज्यादा किसके पास जाता है, सहायक अध्यापक के पास जाता है कि अनुदेशक के पास जाता है कि शिक्षा मित्र के पास जाता है। मैं चैलेंज करता हूं जिस दिन इस सर्वे को सरकार करा ले, सरकार, हालांकि सरकार भी जानती है, लेकिन वही है ना कि सरकार जानते हुए कोई सो नहीं रहा, सोने का नाटक है, सरकार की भी स्थिति वही है। सरकार यदि नहीं जानती कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों का महत्व क्या है, तो आप बताइए, जब 16 जून 2022 पिछले वर्ष जब हमारा नवीनीकरण, अनुदेशक शिक्षा मित्र 1 जुलाई से विद्यालय जाने जाता था, 1 जुलाई से हमारा नवीनीकरण होता था, और सरकार को बैक डेट में जब हम लोगों ने निर्णय लिया कि कोई अनुदेशक कोई शिक्षा मित्र नो पे नो वर्क, जब हम 16 जून को विद्यालय नहीं गए तो सरकार को लगा कि अरे जो प्रधानाध्यापक, जो सहायक अध्यापक, उनकी स्थिति खराब होने लगी, उनको लगा कि अरे आज अनुदेशक नहीं आए, आज शिक्षा मित्र नहीं आए, आज विद्यालय का संचालन कैसे होगा, और त्राहिमाम हर विद्यालय में मच गया। और सरकार के पास जब ये रिपोर्ट गई कि 16 जून को न अनुदेशक पहुंचा न शिक्षा मित्र पहुंचा, तो सरकार की घंटी बजने लगी और बैक डेट में सरकार को आदेश लाना पड़ा कि अब अनुदेशकों का नवीनीकरण, शिक्षा मित्रों का क्रियाकलाप 1 जुलाई से नहीं 16 जून से होगा। क्यों? आपको तो बहुत गर्व था कि अनुदेशक तो कुछ करते नहीं, शिक्षा मित्र तो कुछ करते नहीं, तो बैक डेट में आदेश लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप चला लेते अपने लोगों से, जिनको आप 90,000 दे रहे, 1 लाख दे रहे, चला लेते विद्यालय को। क्यों नहीं चला पाए? क्योंकि आपको भी मालूम है, सरकार को भी मालूम है, एसी कमरों में बैठने वाले इन अधिकारियों को भी मालूम है। आप आज शिक्षक डायरी की बात करते, अरे अनुदेशक डायरी लाओ ना, शिक्षा मित्र डायरी लाओ ना। जिस दिन आप अनुदेशक डायरी लाओगे, उस दिन उत्तर प्रदेश का अनुदेशक अनुदेशक डायरी भरेगा। सभी अनुदेशक सुन ले, किसी को भी शिक्षक डायरी नहीं भरना है। जो भी अधिकारी जांच करने आए उससे पूछिए, क्या हम शिक्षक हैं? यदि हम शिक्षक हैं तो हम शिक्षक डायरी भरेंगे, और जब हम शिक्षक हैं तो हमें शिक्षक की सारी सुविधा दो, और नहीं दोगे तो बोलती अपनी बंद करो और लेखनी अपनी बंद करो, और फिर अगली बार जब आना तो शिक्षक डायरी की चर्चा मत करना। आए थे हमारे विद्यालय में, आए थे और कौन आए थे? जो बाढ़ के समय सीमेंट की बोरी, बालू की बोरी फर्जी दिखा दिखा कर
पेमेंट लेते हैं, ओ एक्सीएन महोदय एक दिन हमारे विद्यालय पे आए। देखिए ओ एक्सीएन जो सीमेंट और बालू की बोरी का घोटाला करते हैं, बार में लाखों का लाखों वारा न्यारा कर देते हैं, वो विद्यालय चेक करने आए और पूछे पूछ रहे हैं कि आप अपनी शिक्षक डायरी दिखाइए। मैंने कहा महोदय मैं शिक्षक नहीं हूं, मैं अनुदेशक हूं, और आप शिक्षक की बात करोगे तो पहले शिक्षक की सारी सुविधा दो और फिर हमसे शिक्षक डायरी मांगो। और जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार, मैंने कहा उनको कि जब तक उत्तर प्रदेश की सरकार अनुदेशक डायरी विद्यालय में नहीं देगी, उत्तर प्रदेश का कोई भी अनुदेशक शिक्षक डायरी नहीं भरेगा। और भरेगा कब? जब आप हमको सारी सुविधा दो। आज आपको भर्ती न करना पड़े, इन युवाओं को रोजगार न देना पड़े, तो बेसिक शिक्षा मंत्री जी विधानसभा में विधान परिषद में जाकर कहते हैं कि अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को लेकर हमारे मानक पूरे हैं। अरे बेसिक शिक्षा मंत्री जी, अपना जब अपनी जब बात आती है तो अनुदेशक को जोड़ लोगे, शिक्षा मित्रों को जोड़ लोगे और मानक पूरा कर दोगे, लेकिन कभी आपने सोचा आपका आपका मानदेय या आपका वेतन तो माननीय मंत्री जी 1 तारीख को आपके अकाउंट में आ जाता होगा। जिनको 90,000 देते 1 लाख देते उनका वेतन तो 1 तारीख को आ जाता। कभी आपने अपने अधिकारियों से पूछा कि आज उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को अभी तक सितंबर का मानदेय मिला कि नहीं मिला? कभी पूछा आपने? नहीं पूछेंगे। क्यों पूछेंगे? आपका तो पेट भरा है, आपको तो एसी कमरों में रहना है, एसी में आना है, एसी में जाना है, आपका घर एसी, आपकी गाड़ी एसी, आपकी ऑफिस एसी, आपको क्या जरूरत है? लेकिन उन परिवारों को जरा चिंता करिए जिनके बच्चों के कपड़े नहीं है। नवरात्र प्रारंभ हुआ है ना, उन महिला की देखिए, नवरात्र का त्योहार है ना, मिशन शक्ति का कार्यक्रम आपने शुरू किया है ना, 65% आबादी अनुदेशकों में महिलाओं की है, इसकी चिंता आपने किया कि इनके घर में कैसे धूप बत्ती जलाएंगी, कैसे मिशन शक्ति को आगे बढ़ाएंगी? विद्यालय में रैली हो गया, विद्यालय के बच्चे जाकर रैली निकाल लिए, तो क्या मिशन शक्ति पूरा हो गया? अरे इनसे मिशन शक्ति नहीं पूरा होगा। मिशन शक्ति तब पूरा होगा जब उत्तर प्रदेश के नारियों को उसी विद्यालय में रहने वाले उन अनुदेशकों को, उसी विद्यालय में रहने वाले महिला शिक्षा मित्रों को, महिला अनुदेशकों को आप एक ही विद्यालय में, आप बताइए जो 90,000 पा रहा है महिला अध्यापक, उनका ट्रांसफर हो रहा है कहां? कोई बहराइच की है तो लखनऊ चली जाएगी, लेकिन कोई बहराइच की अनुदेशक है तो लखनऊ नहीं जा पाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो इंसान है नहीं, उसके तो बच्चे है नहीं, उसके तो परिवार है नहीं, तो उसको क्या जरूरत है? वो जहां रहे मरे जरे सरकार को क्या? तो एक ही जगह इस प्रकार की व्यवस्था बनाए हो। आप बताइए एक ही विद्यालय में प्रकृति ने इन महिलाओं को जो मां बनने का सौभाग्य दिया है, उत्तर प्रदेश की सरकार इसको भी छीनने का कार्य कर रही है। एक मातृत्व अवकाश भी इन्होंने सही से नहीं दिया है, इनका जो आदेश पढ़िएगा उसमें बहुत सारी खामियां हैं। इनको सीसीएल की सुविधा नहीं दिया, क्या इनके बच्चे पैदा होंगे तो उसका लालन पालन कौन करेगा? उनको 18 साल तक उनके बच्चे का लालन पालन, अरे वो तो 90,000 पा रही, वो तो दाई भी रख लेगी, किसी महिला को रख लेगी कि आप इसकी सेवा कर दो, लेकिन जो 9,000 पा रहा उसकी सेवा कौन करेगा, उसके बच्चे को कौन पालन पोषण करेगा? तो आपको तो सीसीएल की सुविधा पहले इन महिला अनुदेशकों को देना चाहिए, क्योंकि ये 9,000 पा रही, इनके बच्चे ये तो दाई भी नहीं रख सकती, ये तो आया भी नहीं रख सकती। और देखिए सिर्फ 10 सीएल, अरे 10 सीएल, 10 सीएल कैसे काम चलेगा? क्या हम बीमार नहीं पड़ते? हम रोबोट हैं? हम ठंडी गर्मी बरसात हमको कुछ नहीं, हमको बुखार आएगा तब भी हम विद्यालय जाएंगे, हमारी तबीयत खराब होगी तब भी विद्यालय जाएंगे? क्यों जाएंगे? क्योंकि 10 सीएल के बाद कोई हमारे पास छुट्टी नहीं है, तो बुखार में भी विद्यालय जाओ या तो अपना 300 रुपया कटवाओ। तो सरकार को इन सारी व्यवस्थाओं से कोई मतलब नहीं है, केवल जब आदेश आए तो जो काम सहाय करे। बीएलओ की ड्यूटी,
मतगणना, जनगणना, बाल गणना, परिवार सर्वेक्षण, काम में कोई नहीं दिक्कत। काम में आप शिक्षक हैं, काम आपको शिक्षक के बराबर करना है, उससे ज्यादा करना है, लेकिन सुविधा देनी हो तो अरे वो शिक्षक हैं, उनको अभी डीए, अभी देखिए केंद्र सरकार डीए की बात कर रही है, अभी दिवाली में इनको बोनस मिलेगा। बताइए मतलब क्या, हमको तो कभी कभी समझ में नहीं आता है कि हम इन बातों को लेकर कहां जाए। हमने मानवाधिकार आयोग को भी कई पत्र लिखे, हमें तो समझ में नहीं आता है कि इस देश में मानवाधिकार आयोग भी है या नहीं है, और है तो क्यों बनाया गया है, क्या यही मानव के अधिकार है? आप एक को बोनस दोगे, एक को सीसीएल दोगे, एक को मैटरनिटी लीव दोगे, और संविधान में कहोगे समानता का अधिकार, और मोदी जी विधान से संसद में महिला आरक्षण बिल लेके आ जाते हैं कि आइए हम विधायक बनाएंगे, सांसद बनाएंगे। अरे यहाँ तो महिलाओं को अपना पेट नहीं पाल पा रही हैं, और आप इनको विधायक सांसद बनाने की बात क्यों कर रही हो? तो हम तो मोदी जी से भी कहेंगे कि मोदी जी पहले इन महिलाओं को इनका इनके विद्यालय में सम्मान दिलाइए, इनको विधायक सांसद मत बनाइए, इनको सम्मान दीजिए, जो महिला जो अधिकार है उन सारे अधिकारों को इनको दीजिए, तब आपका महिला सशक्तिकरण होगा और तब आपका शक्ति मिशन सफल होगा। वरना विद्यालय में ये रैली निकाल लेने से आपका मिशन शक्ति सफल नहीं होगा। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि हमारी पीड़ा को समझे, हमारी बातों को समझे, और हमें वो सारी सुविधा दे। और क्यों नहीं दोगे, हम मेरिट से आए हैं ना, कोई नकल करके नहीं आए हैं, किसी जोगाड़ से नहीं आए हैं, किसी की पैरवी से नहीं आए हैं, कोई पैसा देकर नहीं आए हैं। एक भी अनुदेशक का पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार में कोई ऐसी भर्ती हुई हो जिसमें एक भी पैसा किसी ने नहीं दिया। क्यों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि 41,307 पद निकले थे लेकिन मात्र 38,000 की भर्ती हुई। यदि पैसे चले होते तो 3,000 पद भी भर गए होते, क्योंकि लाखों लाखों का न्यारा होता और वो पद भर गए होते, लेकिन नहीं भरे। क्यों? एक भी पैसा इस सरकार में हमारी भर्ती में, हम तो चैलेंज करते हैं, पहली ऐसी भर्ती हुई होगी उत्तर प्रदेश सरकार में, इस देश के इतिहास में आजादी के बाद पहली ऐसी भर्ती अनुदेशकों की हुई होगी जिसमें एक भी पैसा किसी का नहीं लगा और एक भी फर्जी, एक भी गलत भर्ती नहीं हुई, क्योंकि ये भर्ती इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिशा निर्देश में हो रही थी। और बजाते मेरिट जारी हुई, मेरिट जारी हुई, विज्ञापन निकला 200-200 रुपया प्रति अनुदेशकों ने, उसका एसबीआई बैंक से चालान बनाया, और उसके बाद वो मेरिट जारी हुई, काउंसलिंग हुई, सारे प्रमाण पत्र चेक हुए, और एक बार नहीं उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के मैं बता दूं 4 से 5 बार अभी तक प्रमाण पत्र चेक हो चुके हैं, लेकिन आज तक एक भी फर्जी अनुदेशक नहीं पाया गया। तब भी सरकार को नहीं समझ में आ रही, तब भी सरकार पता नहीं किस बुगालते में जी रही है। और इसीलिए हमें वो पंक्तियां याद आती है कि नदी के घाट पे यदि सियासी लोग बस जाए, ए प्यासे ओठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए, और गनीमत है कि मौसम पे इनका हुकूमत नहीं, वरना बादल के सारे पानी इनके खेतों को बरस जाए, इनके खेतों को बरस जाए।